चाइना उन्होंने नहीं कहा, न्यू ब्रिटेन ही कहा। आधुनिक चाइना हो सकता, आधुनिक अमेरिका हो सकता, आधुनिक ब्रिटेन हो सकता, आधुनिक इंडिया हो सकता है, लेकिन न्यू इंडिया नहीं हो सकता। फिर पुराना इंडिया कहां गया? मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमको न्यू इंडिया आप अपने पास रखिए, हमको ओल्ड इंडिया दीजिए। मैं हैरान हूं, अब न्यू इंडिया का विरोध होने लग गया, क्या कारण है? मैं ये तो समझ सकता हूं भाई, न्यू इंडिया में तुम्हारी जो 10 बातें हैं, 5 तो ठीक है, 5 बेकार है। मैं ये तो समझ सकता हूं कि ये कहें भाई न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश को आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं किया था, ढिकने नहीं किया था, इसलिए हमको भी नहीं कहा। अरे कौन क्या करता है, छोड़ो यार, हम 5000 साल पुराना देश है, दुनिया की एक महान परंपरा लेकर के आए हुए लोग हैं, और ने किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ना है और दुनिया के अंदर हमने अपना नाम ऊंचा करना है। ये काम 125 करोड़ का देश है, क्यों ना सपना देखें? हम ये कह सकते भाई ये 10 ठीक नहीं है, हमारी ये 5 ठीक है, उसके लिए प्रयास करें, लेकिन देश के लोगों को निराशा की ओर धकेलने का पाप न करें। हम उसमें मॉडिफाई करें, हम उसमें सुधार करें, हम उसमें कहें ये 4 ठीक है, 4 ठीक नहीं है, ये सब लोकतंत्र की परंपरा में अवकार्य है, लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे? और हमें तो पुराने ओल्ड इंडिया चाहिए। क्यों भाई? इसलिए वो ओल्ड इंडिया जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद में फाड़ दिया जाए, वो ओल्ड इंडिया चाहिए हमें। हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम में मदद में आ जाए, ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए हमें। हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि जो जल थल नभ घोटाले ही घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे, क्या ऐसा कहे? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए, ऐसे ओल्ड इंडिया की जरूरत है क्या? रेल रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े जब तक बिचौलिया ना आए, रेल रिजर्वेशन ना बने, क्या ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर के कतार खड़ा लेकर के खड़ा रहना पड़े, एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा मारा घूमता रहे, क्या ऐसा ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ओल्ड इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े, क्या वो ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, यूपीयू का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन, क्या वो ओल्ड इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी, हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार नहीं। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है, और हम सबने सामूहिक प्रयत्न से सामान्य मानवीय के इन सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने कोशिश की है, पहले या तो दिया जलाओ, रिबिन काटो, या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी ये जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, यह रहा, उस पूरे कल्चर को हमने बदला है, हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है, और उसका परिणाम है अब यहां कहा जाता है हमने किया हमने किया, लेकिन गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे, क्या यूपीए के समय नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे क्या नया किया? नया ये किया कि आप 5 साल में 25 लाख बनाते थे, हम 5 साल में 1.5 करोड़ बनाते।